तो एक बार फिर स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल वन मिनट स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो आप इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको लखनऊ सुपर जायंट्स का पूरा टीम एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ मिलेगा वन मिनट स्पोर्ट्स के साथ। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स का हम प्रॉपर प्लेइंग 11 भी बनाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के क्या वीकनेसेस हैं और क्या इनका। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। हालांकि ये नई टीम है, लेकिन इन्हें तीन प्लेयर्स खरीदने का पहले से ही ऑप्शन था, तो इन्होंने केएल राहुल राशिद खान को इन्होंने अपने पास रखा था। तो बात करें अगर इनके टीम शीट की, तो इनके टीम में केएल राहुल हैं, मार्कस स्टोनिस हैं, रवि बिश्नोई हैं, क्वेंटन डिकॉक हैं, मनीष पांडे को इन्होंने खरीदा है, जेसन होल्डर को इन्होंने खरीदा है, दीपक हुड्डा है, कृणाल पांड्या है, मार्क वुड है, अवैश खान है, अंकित सिंह राजपूत है, कृष्णप्पा गौतम है, दुष्मंता चमीरा है, शहबाज नदीम को इन्होंने खरीदा है, फिर मनन वोहरा को खरीदा है, एवन लुइस जो कि पहले राजस्थान रॉयल्स में थे उनसे इन्होंने खरीदा है, फिर इन्होंने मोहसिन खान को खरीदा है, मयंक यादव को खरीदा है, आयुष बदोनी को खरीदा है, काइल मेयर्स को खरीदा है, फिर इन्होंने करण शर्मा को खरीदा है। तो अगर बात करें इनके टीम की, इनकी टीम शीट बहुत अच्छी लग रही है और बहुत ही खतरनाक टीम शीट इनकी लग रही है और इनकी टीम बहुत अच्छी है। हालांकि केएल राहुल की कैप्टनसी पे मुझे लगता है ऐसा सवाल है, क्योंकि वो पंजाब के साथ जुड़े और पंजाब का भी परफॉर्मेंस डाउन रहा। इस बार वो लखनऊ के नवाबों के साथ जुड़े हैं, लेकिन अब देखते हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, उनकी कैप्टनसी कैसी लगती है। तो दोस्तों अब हम बनाने का प्रयास करते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, एक आइडियल प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए और पहले मैच में किस प्लेइंग 11 के साथ उन्हें कम से कम उतरना चाहिए। तो आगे वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स का क्या प्लेइंग 11। तो दोस्तों अगर लखनऊ सुपर जायंट्स का आइडियल प्लेइंग 11 की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें केएल राहुल और क्वेंटन डिकॉक के साथ ओपन करना चाहिए। मुझे क्या लगता है, सबको लगता है, क्योंकि केएल राहुल और क्वेंटन डिकॉक एक खतरनाक ओपनिंग प्लेयर है इनके पास। नंबर तीन पे इन्हें मनीष पांडे को खिलाना चाहिए, फिर मार्कस स्टोनिस, दीपक हुड्डा, जेसन होल्डर, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, अवैश खान, दुष्मंता चमीरा और अंकित सिंह राजपूत। हालांकि इनके पास मार्क वुड भी हैं, बट मार्क वुड के अवेलेबिलिटी पे सवाल है और शायद कुछ मैचेस वो मिस करे। तो पहले मैच में ये इनकी आइडियल प्लेइंग 11 होनी चाहिए, जिसमें दुष्मंता चमीरा एक श्रीलंका के होनहार बॉलर भी है इनके पास और अंकित सिंह राजपूत जैसा बॉलर भी इनके पास है जो कि युवा बॉलर है और अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है आईपीएल में। तो इनकी प्लेइंग 11 की बात करें तो इनकी प्लेइंग 11 अच्छी और बैलेंस्ड प्लेइंग 11 लग रही है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों अगर बात करें लखनऊ के नवाबों के स्ट्रेंथ का, लखनऊ सुपर जायंट्स के स्ट्रेंथ की बात करें, तो इनका सबसे पहला जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। इनके टॉप ऑर्डर में क्वेंटन डिकॉक हैं, केएल राहुल हैं, मार्कस स्टोनिस हैं, दीपक हुड्डा हैं, जेसन होल्डर हैं, मनीष पांडे हैं, तो इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। और दूसरा अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करें, तो इनके पास ओवरसीज ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। इनके पास जेसन होल्डर हैं, मार्कस स्टोनिस हैं, जो कि अच्छे ओवरसीज ऑलराउंडर हैं। और तीसरा अगर इनका स्ट्रेंथ की बात करें, तो इनके पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, खासकर स्पिनर्स की बात करें तो इनके पास रवि बिश्नोई है, फिर साथ ही साथ इनके पास कृष्णप्पा गौतम के रूप में भी एक अच्छा स्पिनर है, साथ ही साथ फास्ट बॉलिंग में इनके पास अवैश खान के रूप में अच्छा फास्ट बॉलर है और दुष्मंता चमीरा के रूप में भी अच्छे फास्ट बॉलर है। तो इनकी बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है और बैलेंस्ड लग रही है। अब अगर बात करें इनके वीकनेस, तो दोस्तों अगर बात करें लखनऊ के वीकनेसेस की, लखनऊ सुपर जायंट्स के वीकनेस की, तो सबसे पहला इनका वीकनेस ये है कि इनकी टीम पहली बार आईपीएल में खेल रही है, तो परफॉर्मेंस पे कुछ संशय है, क्योंकि सारे प्लेयर्स अलग अलग टीम्स के खेल के आए हैं और पहली बार एक साथ हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ी कमजोरी इनकी ये है कि इनके पास कोई ओवरसीज बॉलर
उतना अच्छा बॉलर नहीं है, हालांकि मार्क वुड है, बट मार्क वुड भी शॉर्ट पिच बॉल डालते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी पे भी क्वेश्चन है। दुश्मंता चमीरा भी उतना अच्छा यॉर्कर्स नहीं डाल सकते, उतने ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, तो इसलिए ये इनकी एक कमजोरी है दूसरी। और तीसरी कमजोरी की बात करें तो इनके पास डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट नहीं है। अवैश खान है, बट अवैश खान का क्या हश्र किया था महेंद्र सिंह धोनी ने सेमीफाइनल में, आप लोग को पता ही होगा। तो अवैश खान भी उतना अच्छा डेथ बॉलिंग नहीं कर सकते, हालांकि अंकित सिंह राजपूत ने कुछ मौकों पे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, बट उतने वो टेस्टेड नहीं है, तो इनके पास एक डेथ बॉलर की भी कमी होगी। और साथ ही साथ एक और इनकी कमी है कि इनके पास कोई ऐसा वेस्टइंडीज की जो पावर होती है, वेस्टइंडीज की टीम की जो प्लेयर्स की पावर होती है वो नहीं है। इवन लुइस हैं, बट इवन लुइस उतना अच्छा नहीं है, खासकर वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। अगर लोअर ऑर्डर में जेसन होल्डर के साथ कोई अच्छा वेस्टइंडीज जैसा हिटर होता, वेस्टइंडीज के प्लेयर्स लाइक रोमन पॉवेल की तरह या स्टेफन रदरफोर्ड की तरह या फिर केरन पोलार्ड की तरह, तो ये टीम और अच्छी होती। तो इनके ये कुछ ऐसे वीकनेसेस हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो दोस्तों अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रेडिक्शन की कि ये टीम कहां तक पहुंच सकती है टेबल में और ये टीम का परफॉर्मेंस इस साल क्या होने वाला है, तो मेरा जो प्रेडिक्शन है ये टीम टॉप सिक्स में रहने वाली है, अगर बहुत अच्छा खेली तो टॉप फोर में, लेकिन मेरा ये प्रेडिक्शन है कि लखनऊ के नवाब टॉप सिक्स में जरूर होने वाले हैं। तो ये है मेरी प्रेडिक्शन, आपकी क्या प्रेडिक्शन है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और आप ये लिख के जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कैसी है। आप लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कमेंट सेक्शन में जरूर बनाइए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, दबा दबा के सब्सक्राइब करिए, ठोकिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मिलने वाली हैं 1 मिनट स्पोर्ट्स पे। धन्यवाद।